तक में एक भी मुस्लिम भाई जो है बिहार के विरोध नहीं कर रहे हैं, जाकर कोई नहीं करके देखिए सारे लोग स्टेटस लगा करके बाबा का बैठ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अरे भाई स्टेटस लगा करके बैठे हुए सारे परेशानी को सॉल्व कर देंगे। और आज भी हम कहते हैं कि जो वो लोग गलती कर चुका, अगर अपना प्रायश्चित करना है अपने गलती को, आकर के उनके चरणों में गिर जाए, पूरे जितना भी गलती अभी तक किया बाबा सही पर आएगा और उन लोग का भी बाबा पर्ची निकालेंगे और देखिएगा उन लोग का पर्ची निकालने के बाद में जो उन लोग का हालत करेंगे, उन लोग को भी आकर के शरणों में और बाबा के चरणों में गिरना पड़ेगा। उन लोग को ऐसे बाबा जी है ना, आप देखे होंगे जो विरोध करने वाले हैं उनके पिताजी ने आज से कुछ दिन पहले एक रथ रोका था। रथ रोका था, गए कहाँ, उसी जेल में जिस जेल में उनको उद्घाटन करके आए थे, जिस जेल को बनवा के बाबा आ रहे हैं सब। सब अच्छी जाकर देखिए इस पंडाल में जो करने वाले काम करने वाले लोग में आपको मैं बता दे रहा हूँ 30% लोग जो है मुस्लिम लोग काम कर रहा है आकर के, और वो भी बिना पैसा के काम कर रहा है। वो लोग कहाँ विरोध कर रहा है, ये राजनीतिक लोग थे, उन लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा था। तमाम महिलाएं और भी लोगों से हम बात करेंगे। इधर पंडाल बनाया गया है, आपको बता दें कि 3 दिनों तक उनका कार्यक्रम जो होने वाला है उसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में लोगों की आने की उम्मीद बताई जा रही है। 3 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे। और इसके पहले बता दें कि जिस तरह से बिहार में कुछ लोगों के द्वारा, चंद लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, लेकिन विरोध के बावजूद बाबा ने कहा कि उन लोगों पर मैं ध्यान नहीं देता और मैं अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, अपने सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। और भी हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि, और देखिए एक भैया भी हैं, कहाँ से आए हुए हैं भैया? हम भी इधर कहीं लोकल हैं, इधर के यहाँ से। एक बात बताइए, बाबा कोई आ रहा है, कोई साधु संत आ रहा है जो कि अपने धर्म को प्रचार प्रसार करता है, उसका इस तरह से विरोध करना कितना सही है? ये जो विरोध करने वाले हैं ना, जितने भी विरोध करने वाले हैं उन लोगों से अपना घर नहीं समझता है, अपना परिवार नहीं समझता है, और वो चले हैं बाबा का विरोध करने, जो बाबा पूरे दुनिया को चला रहे हैं। कौन नहीं जानता है बागेश्वर वाले, विश्व में इनका नाम है, और इन लोगों का वो लोग विरोध करने चले हैं। आप देखते रहिएगा, कल 13 तारीख को वो लोग भी यहीं पर आएगा और उन लोग का भी बाबा पर्ची निकालेंगे और देखिएगा उन लोग का पर्ची निकालने के बाद में जो उन लोग का हालत करेंगे, उन लोग को भी आकर के शरणों में और बाबा के चरणों में गिरना पड़ेगा। उन लोग को ऐसे बाबा छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। आप देखे होंगे जो विरोध करने वाले हैं उनके पिताजी ने आज से कुछ दिन पहले एक रथ रोका था। बिल्कुल रथ रोका था, गए कहाँ, उसी जेल में जिस जेल में उनको उद्घाटन करके आए थे, जिस जेल को बनवा करके आए थे, और उन्हीं का बेटा जो है आज एक उस लोगों को रोकने चला है जिसको कि पूरे भारत पर गर्व है, जिस पूरे भारत को उनके ऊपर गर्व होता है, उनको रोकने चला है। क्या लगता है कि बाबा उनका ठटरी नहीं बांधेंगे? लोग बिहार में क्रिमिनल्स को नहीं रोक पाता, मंत्री पद पे हैं वो लोग, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन नहीं रोक पाते। लेकिन साधु संत को रोकने के लिए टीम बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक टीम में बना रहा हूँ, जो टीम जाकर रोकने का प्रयास करेगी एयरपोर्ट से, हम लोग उनको नहीं आने देंगे। ये कहाँ तक से ये टीम बनाना बाबा के लिए? कोई भी टीम हो, बाबा के सामने दुनिया की सारी टीमें फेल है। ना बाबा का कोई ना अपना पावा है, ना कोई पार्टी है, उनका अपना खुद में बाबा अलग पार्टी है। लगातार वो कह रहे हैं कि मेरा कोई पार्टी, उनका कोई पार्टी से मतलब नहीं है। आप देखते हैं ना, खाली वो अपना परेशानी को लेकर वहां पर पहुंचे ना, देखिएगा बाबा उसका सारे परेशानी को सॉल्व कर देंगे। और आज भी हम कहते हैं कि जो वो लोग गलती कर चुका, अगर अपना प्रायश्चित करना है अपने गलती को, आकर के उनके चरणों में गिर जाए, पूरे जितना भी गलती अभी तक की है बाबा सबको माफ कर देंगे, कट जाएगा पूरा पाप, कट जाएगा, एक पाप बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अगर अपने पाप को धुलवाना है तो उनको यहाँ पर आना पड़ेगा, कोई उनको बुलाने नहीं जाएगा। लोग बोल रहा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका स्वागत करेंगे, कहाँ है भाई स्वागत करेगा, लोग इतना लोग आ रहे हैं, इन लोग का कौन स्वागत कर रहा है? सब लोग आया है बाबा का, सब लोग बाबा के आस्था में आ रहा है। इतने सारे लोग जो हैं, जो इस क्षेत्र के, जो इतने जो रामकृपाल यादव जी के देखिए पीछे में बेटा का बैनर लगा हुआ है, बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पे बैनर लगा रहे हैं कि चलो भाई बाबा आ रहे हैं, जिसको मिलने के लिए लोग यहाँ से मध्य प्रदेश तक जाने के लिए तैयार रहा, बिल्कुल जाते भी थे, और लोग बाबा का प्रवचन सुनकर के आज भी गदगद हो जाता है। वो लोग खुद आपके धरती पे, आपके बिहार में चल के आ रहे हैं, उन लोगों को तो इतना खुशी होना चाहिए कि चलिए भाई मध्य प्रदेश नहीं जाना पड़ रहा है, बाबा यहीं पर आ रहे हैं, मेरा धरती शुद्ध हो गया। तो उन लोगों को जब बुद्धि नहीं है तो बुद्धि तो वही ना देंगे, अब आ रहे हैं तो बुद्धि देंगे, हो सकता है आने के बाद बुद्धि खुल जाए। एकदम खुलने वाला है। और हम तो ये भी कहेंगे जितना ब्लैक मनी लोग रखे हुए हैं अंधेरियावा में आकर के सब यहीं पर पटक के चल जाए, जो भी प्रायश्चित है वो सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि अगला बार से और बढ़िया से सत्ता मिल जाए, नहीं तो इस सत्ता तक में एक भी मुस्लिम भाई जो है बिहार के विरोध नहीं कर रहे हैं, जाकर कोई नहीं करके देखिए सारे लोग स्टेटस लगा करके बाबा का बैठ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अरे भाई स्टेटस लगा करके बैठे हुए हैं कि बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं सब। सब अच्छी जाकर देखिए इस पंडाल में जो करने वाले काम करने वाले लोग में आपको मैं बता दे रहा हूँ 30% लोग जो है मुस्लिम लोग काम कर रहा है करके, और वो भी बिना पैसा के काम कर रहा है। वो लोग कहाँ विरोध कर रहा है, ये राजनीति के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं
रहा है ना, वो विरोधियों को बाबा प्रस्त कर देंगे। और इन लोगों को बहुत समय नहीं है, 4 दिन का बाबा के पास समय है ना, 5 दिन का। देखिए देखिएगा अपना, यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग आया हुआ है। अभी से ही देखिएगा उस पंडाल में झारखंड से कितने लोग आए हुए हैं, जो लोग आस्था के साथ में और आकर के यहाँ पर बैठ गए। नेपाल तक से लोग आए हुए हैं कि बाबा का आकर के यहाँ पर प्रवचन सुनेंगे। अब ये जो है तरेत मठ नहीं, ये बाबा बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इस जगह को कहीं ना कहीं एक अलग लेवल की प्रसिद्धि मिल रही है। बाबा के सिर्फ आ जाने से हजारों लोगों को रोजगार मिल गया। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, गरीब लोग दुकान लगा रहे हैं, उनकी बिक्री हो रही है, रोजगार मिल गया। कितना अच्छा की बात है। कितने लोगों का बुद्धि खुल गया। पीछे में बड़का बड़का हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, जो लोग की दिन भर मरीजों को सिर्फ लूटने का काम करते थे, वो आ जाकर के बाबा के दरबार में इसलिए दे रहे हैं कि ताकि मेरा भी पाप कट जाए। लोग पाप काटने के लिए यहाँ पर आते हैं। और वैसे लोग जिसको पाप नहीं काटने का, सरकार भी देखे था इतना दिन से विरोध कर रहा था, अभी देखे ना सरकार क्या किया है, पूरा का पूरा लगा करके फोर्स भर दिया यहाँ पर। और वो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कॉरिडोर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए बनता है, वैसे कॉरिडोर बना करके और बाबा को यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा, और उनके लिए उतने सुरक्षा का व्यवस्था की जा रही है। ये है सरकार। सरकार नीतीश कुमार जो है ना, वो समझ गए कि अब हमको बयान, उनका कहाँ आएगा बयान भाई, वो पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, वो कोनो मूर्ख आदमी है। जो मूर्ख लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग ऐसा बयान देगा? पढ़ा लिखा हुआ लोग ऐसा बयान देगा? देखिए इशारों में आप समझ गए होंगे कि भाई साहब का साफ तौर पे कहना है कि पढ़े लिखे लोग बयानबाजी नहीं करते हैं, जो जमीनी स्तर के लोग हैं बाबा आ रहे हैं, इनके लिए जो आस्था है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से। इनका कहना है कि अलग अलग देशों से, नेपाल से लोग आकर पहले से ही बैठे हुए हैं। अभी लगभग 18 से 19 घंटे का समय बाकी है बाबा को आने में। इसके पहले से लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग देशों से भी लोग आ रहे हैं। आपको बता दें, कई बड़े बड़े नेता मंत्री और कई हॉस्पिटल वाले फ्री में यहाँ पर उपचार देने का काम कर रहे हैं। जो लोग हैं अपनी आस्था को दिखाने का यहाँ प्रयास कर, लेकिन इनका कहना था कि कुछ लोग हैं जो कि शायद अनपढ़ प्रवृत्ति के हैं, उन लोगों का यहाँ विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, उनका कहना था, भाई साहब लोकल थे यहाँ के, उनका कहना है कि 30% मुस्लिम भाई भी यहाँ आकर फ्री में, सोचिए फ्री में काम कर रहे हैं। यहाँ और भी कुछ लोग हैं जो कि आप भी यहाँ के लोकल ही हैं? जी नहीं, मैं आसाम से आया हूं। आसाम से आए हुए हैं? जी जी। अच्छा, क्या आस्था है बाबा में कि आप आसाम से चले आए? बाबा में बहुत आस्था है, और जो शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से अगर जो बाबा का शरण में जाता है, वो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। जी पूरी, मतलब आप लोगों की बाबा में विश्वास है? पूरी विश्वास, बाबा विश्वास है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, सनातन के लिए लड़ते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं टीवी चैनलों पर कुछ लोग बिहार के विरोध कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सही रास्ता है। अपना सनातन के लिए क्यों लड़ रहे हैं? आप भी तो हिंदू हो भैया, आप क्यों लड़ रहे हो अपना सनातन के लिए? वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते ना। देखिए यहाँ का मुस्लिम लोग यहाँ पर हम आते हैं, काम कर रहे हैं, देखिए सेवा में दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देशों से नहीं, विदेशों से भी आदमी है। आप अकेले आए हैं कि आपका पूरा परिवार? नहीं, मेरा पूरा परिवार है। परिवार के साथ? परिवार के साथ में 7 जन है, 7 जन का है। कितने दिनों तक यहाँ पे आप लोग रहिए? जब तक बाबा का प्रोग्राम होगा तब तक रहिए। हाँ, एक दिन। हाँ, आप लोगों के साथ और कोई भी आया है आस पड़ोस का? आया हुआ है बहुत सारे लोग। बहुत सारे आसाम से बहुत लोग आए हैं। जी हाँ, बहुत आए हुए हैं। अच्छा, वहाँ भी गए हुए थे जहाँ बाबा रहते हैं, छतरपुर, वहाँ भी आप लोग कभी गए? गए नहीं थे, लेकिन जाने आगे मिला बिहार में। जी जी जी, हम तो बिहार को बहुत अच्छा चाहते हैं कि यहाँ पर बाबा पता। यहाँ क्या था, बिहार के लोगों के बारे में आपकी क्या राय? बहुत अच्छा है, बहुत व्यवहार अच्छा है, अच्छा है। लोगों का मतलब दिल और स्वभाव बदल गया, भक्ति भय हो गया। हाँ, एकदम पूरा भक्तिमय हो गया। तो ये लोग आसाम से आ रहे हैं और अलग अलग जिलों, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं। लेकिन बस मैं यही कहूंगा, यहाँ पे बहुत भी कुछ लोग हैं जिन लोगों से मैं लगातार बात करने का प्रयास करूंगा, और बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। हम लगातार 3 से 4 दिनों तक आपको यहाँ का पूरा एक एक चीज का विश्लेषण, एक एक चीज का स्पष्टीकरण के साथ अच्छा अच्छा वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे साथ। बने रहिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपकी क्या राय है, बाबा का आना क्या बिहार के लिए सद्बुद्धि देगा? बाबा के आने के बाद क्या बिहार की दशा दुर्दशा जो है बदल सकती है, अच्छी हो सकती है? आपकी जो भी राय है, अपना विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।